आज बनाएंगे तुरई। यहाँ मैंने 250 ग्राम तुरई ली है, अच्छे से धोके इसके छिलके निकाल के इस तरीके से कट कर लिया है। साथ ही मैं लिया है 1/3 कप मूंग दाल। दाल को आधे घंटे से भिगा के रखा है, अब कुकर गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल, साथ ही में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, जीरा फूट जाए। फिर यहाँ मैंने लिए है 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्ची, बारीक कूट लिया है इन सभी चीजों को। इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। फिर इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पकाएंगे, यानी कि पूरा ब्राउन नहीं करना। जैसे ये ब्राउन होना स्टार्ट होगी तब इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। साथ ही में डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर पकने तक वेट करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें, बीच बीच में घुमाते भी रहे जब तक टमाटर पक नहीं जाते। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तुरई जो हमने कट करके रखी थी। तुरई डालने के बाद साथ ही में हम इसमें डाल देंगे मूंग दाल जो हमने भिगा के रखी थी, साथ ही में उसका पानी भी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप पानी लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत कम है, इसीलिए मैं 1/3 कप इसमें पानी और डालूंगी। आप चाहे तो 1/2 कप पानी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही। सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और अंदर की हवा अपने आप निकलने देंगे। उसके बाद ये देखिए तुरई और दाल कितने अच्छे से पक चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीजें पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 नींबू। नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो जरूर इसे डालें। और एंड में डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ता। मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को फिर से और ये बढ़िया हमारी तुरई और मूंग बनके तैयार है। इसे जरूर अपने घर पे ट्राई करें।